हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शियाटिका नर्व पेन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। शियाटिका होती क्या है? शियाटिका हमारी बॉडी में एक नर्व होती है जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ये हमारी लोअर बैक से होते हुए ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, और एक हमारे लेफ्ट लेग में जाती है और एक हमारे राइट लेग में जाती है। ये जो स्टार्ट होती है लोअर बैक से हमारे हिप एरियाज़ में जाते हुए, हमारे थाई एरिया से जाते हुए, काफ मसल से होते हुए हमारे फुट तक जाती है। जब इस सियाटिका नर्व पे कहीं पे भी कंप्रेशन आ जाता है, दबाव पड़ जाता है, तो उसके वजह से होने वाला जो दर्द होता है उसे सियाटिका नर्व पेन कहा जाता है। अब सियाटिका नर्व पेन होता क्यों है, कंप्रेशन आता कैसे है? हमारा जो लोअर बैक होती है वहाँ पे L4, L5 और S1 वर्टिब्रा में अगर स्लिप डिस्क हो जाए, स्लिप डिस्क क्या होती है, जो हमारी बैकबोन होती है उसमें हमारी बोन्स होती हैं जिसे वर्टिब्रा कहा जाता है। जो वर्टिब्रा है इसके बीच में एक डिस्क होती है, एक जो एक फ्लूड टाइप का एक पदार्थ होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, कुशन टाइप का एक मटेरियल समझ लीजिए आप, कि जब भी हम बैंड करते हैं या हमें कभी झटका लगता है तो उस चीज़ से ये हमें बचाती है। अगर हम जैसे झुकते हैं तो ईज़िली हम झुक पाते हैं, अगर बाई चांस हमें कभी चोट लग गई या हम कभी गिर गए तो उस चीज़ से क्या होता है, उसके बीच में कुशन जैसा एक मटेरियल होता है जिससे जो हमारी बोन्स हैं वो आपस में टकराती नहीं है और हमें पेन नहीं होता है, और ईज़िली जो बॉडी होती है वो उसे अडेप्ट कर लेती है। अब क्या होता है, कभी कभी जो हमारी जो डिस्क होती है, जो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, उस वो अगर स्लिप हो जाए, वो अगर खिसक जाए, थोड़ी सी अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सियाटिक नर्व होती है उसमें कंप्रेशन, उसमें दबाव आ जाता है। अब जब सियाटिक नर्व में कंप्रेशन और दबाव आ जाएगा तो जहाँ जहाँ वो सियाटिक नर्व जारी होगी वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेन, झंझनाहट और टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाती है। पेन इतना ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है सियाटिका नर्व कंप्रेशन होने की वजह से। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम गिर जाते हैं या चोट लग जाती है उसके वजह से भी कंप्रेशन आ सकता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम है, बहुत ज़्यादा आप सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, या झंझनाहट होती है और टिंगलिंग सेंसेशन होती है लेग्स में, वीकनेस होती है लोअर लिम में, बहुत ज़्यादा पैरों में पेशेंट को कमज़ोरी फील होती है, मसल्स क्रैम्प्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपको सियाटिक नर्व पेन में कंप्रेशन आ गया है तो। सियाटिक नर्व में अगर कंप्रेशन आ जाता है तो पेशेंट ईजिली वॉक भी नहीं कर पाता, बहुत देर तक सिटिंग पोजिशन में भी नहीं रह पाता, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन जो होता है वो सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। सियाटिक नर्व का जो कंप्रेशन होता है वो उन लोगों में भी ज़्यादा देखा गया है जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी जो डिस्क होती है उसमें डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी जो बोन्स है, एज फैक्टर भी मैटर करता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो हमारी बोन्स होती है उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से भी जो डिस्क होती है उसमें कंप्रेशन आ जाता है, और जिस वजह से सियाटिक नर्व पेन जो है वो पेशेंट को फील होता है। जो ये पेन होता है, वैसे तो ये पेन आपको 2-3 महीने में अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं या अच्छे से कोई मेडिसिन लेते हो तो ये ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सर्जरी के लिए जाना पड़े। लेकिन मोस्टली जो होता है सियाटिक नर्व पेन जो है वो ठीक हो जाता है अगर आप मेडिसिन लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको सियाटिक नर्व पेन हो रहा है, अगर आप सियाटिका नर्व पेन से ग्रसित है, तो आपको होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो लेनी चाहिए और अपने सियाटिक नर्व पेन को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए? तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है कोलोसिंथ 200 मेडिसिन, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सियाटिक नर्व पेन में। इस मेडिसिन को लेने का तरीका है कि आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दिन में और 2 बूंद शाम को डायरेक्ट अपनी जीभ पे लेना है। कंटिन्यू आपको 1 से 1.5 महीने तक ये मेडिसिन रेगुलर लेनी है। धीरे और इंजरी की वजह से, या आप गिर गए या फिर चोट अगर आपको लग गई है, लोअर बैक में अगर चोट लग गई है, L4, L5 और S1 वर्टिब्रा में अगर आपको चोट लग गई है, तो उस वजह से अगर आपको पेन हो रहा है तो आप होम्योपैथी में आर्निका 200 मेडिसिन आती है,
इस मेडिसिन को आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दिन में और 2 बूंद शाम को अपने टंग में लीजिए। धीरे धीरे जो कंप्रेशन आ रहा है आपको वो रिलीज़ हो जाएगा और आपको जो शियाटिक नर्व पेन हो रहा है उसमें भी बहुत हद तक आराम मिल जाएगा। ये दोनों मेडिसिन ही शियाटिका नर्व पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है होम्योपैथी में। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो शियाटिक नर्व पेन से तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप कंटिन्यू ये दवाई लेते हैं तो आपको इस दर्द से निजात भी मिल जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको शियाटिका नर्व के बारे में या शियाटिक नर्व पेन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।